मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नाजायज रिश्तों से पैदा हुए नवजात शिशु को ट्रेन में छोड़ दिया और पुलिस ने इस मामले में उस नवजात शिशु की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 20 नवंबर को टिटवाला रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में एक बैग में नवजात शिशु मिला था, जिस पर कल्याण जीआरपी ने 317 के तहत मामला दर्ज कर लिया था और इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई थी। जब रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया गया तो कोपर रेलवे स्टेशन पर बैठी एक महिला जिसके हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा था, पुलिस को इस महिला पर शक हुआ और जांच पड़ताल में पता चला कि जो बैग इस महिला के हाथ में दिखाई दे रहा है उसी बैग में नवजात शिशु मिला था। जांच पड़ताल कर महिला को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि नाजायज रिश्तों की वजह से ये नवजात शिशु का जन्म हुआ था। इस महिला का एक शादीशुदा आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों इस बच्चे को रखना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ट्रेन में नवजात बच्चे को बैग में रखकर छोड़ दिया गया था। इस पूरे मामले में उसका प्रेमी भी उस महिला का साथ दे रहा था। पुलिस ने इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।